छिंदवाड़ा में पुलिस और आदिवासी समाज के बीच का विवाद अभी थमा नहीं है। आदिवासी समाज ने एक बार फिर विवाह समारोह में हुई घटना को लेकर आंदोलन किया है, राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। तामिया थाने के अंतर्गत मलालढाल में कुछ दिन पूर्व आदिवासी समाज और पुलिस के बीच विवाह समारोह को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर आदिवासी समाज पुलिस पर लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसके लिए आदिवासी समाज ने सरकार के साथ साथ विपक्ष का भी पुतला दहन किया है। एक बार फिर थाना प्रभारी पर कार्रवाई को लेकर आदिवासी समाज ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसी 5 सूत्री मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आज एक दूसरे को धरना दिया और हमारे राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन सौंपा। और अगर इन 5 बिंदु पे कार्रवाई नहीं होती है तो सर्व आदिवासी समाज पूरे प्रदेश लेवल पर इस सरकार के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में प्रदेश लेवल घेराव करेगा, मुख्यमंत्री का घेराव करेगा और भोपाल जैसी जगह में जाकर लाखों आदिवासी पूरे विभिन्न जिलों से आके आंदोलन करेंगे। किया है इसकी न्यायिक जांच करने के लिए सभी आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने भी इसका समर्थन दिया है और हम लोग उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से कि इस पर उचित कार्रवाई हो और दोषियों के ऊपर अच्छे से अच्छे तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।